भारत विशाल विविधताओं वाला देश है, जहां विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों जैसे वन, वेटलैंड्स, ग्रासलैंड्स, रेगिस्तान, तटीय और समुद्री इकोसिस्टम का भंडार है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत कृषि के क्षेत्र में दुनिया के अग्रणी देशों में से एक है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व ने देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता हासिल करने और लाखों ग्रामीण परिवारों को आर्थिक सुदृढ़ता पाने में सक्षम बनाया है। भारत दुनिया में दूध, जूट, दाल और मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। चावल, गेहूं, गन्ना, मूंगफली, फल, सब्जियां और कपास के उत्पादन में भी भारत विश्व में दूसरा स्थान रखता है। भारत सरकार की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने सन 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में घोषित किया है, जिससे श्री अन्न जैसी कम पानी में उगने वाली पोषक फसलों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। साल 2014 में जब देश ने हमें सेवा करने का अवसर दिया, तब भारत का कृषि बजट 25,000 करोड़ रुपये था। इस वर्ष हमारा कृषि बजट 1,25,000 करोड़ रुपये से ज्यादा है, यानी 5 गुना ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। हम देश की कृषि को भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए हमारी पूरी किसानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था इसमें नए प्राण लाने के लिए हम कृतनिश्चयी हैं, बल दे रहे हैं। बीज से बाजार तक एक राष्ट्र एक बाजार, प्रति बूंद अधिक फसल, स्वस्थ धरा खेत हरा, एक राष्ट्र एक उर्वरक जैसे अनेक कार्यक्रमों ने किसानों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाया है। कोविड महामारी के दौरान भारत सरकार ने कृषि संबंधित आवश्यकताओं की निर्बाध आपूर्ति के साथ किसानों का सहयोग किया, जिसके परिणाम स्वरूप 315 मिलियन टन से अधिक खाद्यान्न और 342 मिलियन टन से अधिक बागवानी उपज का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। कृषि निर्यात में 19% की वृद्धि के साथ भारत कृषि उपज के शीर्ष 10 निर्यातकों में शामिल है। भारत सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत कोविड महामारी के समय से ही लगातार 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान कर रही है। वर्ष 2019 से पीएम किसान कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, जिसकी सराहना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा भी की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में किसानों को फसल बीमा कवर प्रदान करती है। अब तक 13.5 करोड़ से अधिक आवेदक किसानों को 1,35,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के फसल बीमा दावों का भुगतान किया जा चुका है। किसानों को फसलों का उच्चतम मूल्य मिले, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ई नाम बनाया गया है। ई नाम पर 1 करोड़ से अधिक किसानों का पंजीकरण हो चुका है। देश भर में कृषि उत्पादक संगठन बेहतर आय सृजन के लिए किसानों को तकनीकी जानकारी, वित्तीय सहायता और बुनियादी सुविधाओं का लाभ उठाने में मदद करते हैं। सरकार कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिमोट सेंसिंग, ड्रोन और अन्य डिजिटल तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। भारत के किसान सौर ऊर्जा को उपयोग में लेकर अन्नदाता से ऊर्जा दाता बन रहे हैं। इससे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में भी योगदान मिल रहा है। नए भारत में कृषि क्षेत्र नई ऊंचाइयों को छूते हुए लगातार आगे बढ़ रहा है। दुनिया को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए भारत वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा और आदर्शों को आगे बढ़ा रहा है।